इसको, और इसकी प्लेटलेट 61 है अभी। क्या कहते हैं, इसको प्लेटलेट चढ़ाने को बोले हैं डॉक्टर साहब। कितने पेशेंट? हाँ पूरा, सब पूरा वार्ड भरा हुआ है। यहाँ 3 दिन पहले आए हैं गायत्री जी। हमको 4 दिन पहले बुखार हुआ था हल्का हल्का, फिर अभी तक बुखार नॉर्मल है। और उसके बाद सर प्लेटलेट्स अभी जांच के लिए गया है, और सब तबीयत थोड़ा ठीक है, और उपचार सही तरीके से हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है सर। और अभी तक तो अभी पूरी तरीके से नॉर्मल हुआ नहीं है सर। क्या नाम है आपका? नेहाल पांडे सर। कहाँ सर? हम इलाहाबाद से हैं। इलाहाबाद के हैं। बाकी जो है 39 केसेस जो है वो विभिन्न जिले से आ करके यहाँ पर इलाज करा रहे हैं। हमारे जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनमें सब में प्राइवेट वार्ड बनाए गए हैं, डेंगू वार्ड बनाए गए हैं, प्राइवेट नहीं डेंगू वार्ड स्पेशली बनाए गए हैं, जहाँ पर 24 घंटे जो है उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। और हमारे इस मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में कि में 3 विभाग इस पर लगातार मॉनिटरिंग करते हैं। एक संचारी विभाग है, दूसरा IDSP यूनिट है, और तीसरा मलेरिया विभाग है। तीनों मिल करके इस डेंगू रोग की रोकथाम और इसके जो है क्या कहते हैं इलाज से संबंधित कार्यों में लगे हुए हैं, और उनकी लगातार मॉनिटरिंग होती रही है। जहां तक जो है कि प्राइवेट अस्पतालों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने यहाँ जो है डेंगू के वार्ड अलग बना के रखें, ताकि डेंगू से किसी अन्य मरीज को संक्रमण ना हो। और उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई केस उनके यहाँ से संभावित केस निकलता है तो उसके ब्लड सैंपल जो है तुरंत मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में भेजे जाएं, और जैसे ही उनको ये सूचना मिलती है कि वो जो अमुक पेशेंट उनके यहाँ जो भर्ती है वो डेंगू से पीड़ित है, वो हमें तुरंत फ़ोन से सूचना दें, ताकि हम तत्काल वहाँ भी कार्यवाही कर सकें। और हम इसके अलावा उसकी रिपोर्टिंग हमें मेडिकल कॉलेज से भी, हम लगातार उनके संपर्क में रहते हैं जी। जी पर्चे दे। मैं डॉक्टर गणेश प्रसाद, एडिशनल CMO IDSP। इसमें फीवर के तो बहुत ज़्यादा मरीज आ रहे हैं, लगभग OPD में 60% मरीज फीवर के रहते हैं, लेकिन उसमें कई वायरल फीवर, टाइफाइड भी आ रहे हैं। डेंगू सस्पेक्टेड हमारे वार्ड में 10 बेड पड़े हैं अलग से, सेपरेट डेंगू के लिए, तो इस समय तो पूरे फुल हैं। और इधर करीब एक महीने में लगभग 19 मरीज डेंगू के भर्ती हो चुके, जो डेंगू पॉजिटिव आए हैं। जैसे पेशेंट आया, फीवर है कुछ, उसका जांच में कुछ कम पाया जाता है प्लेटलेट्स, तो उसमें भर्ती कर लेते हैं डेंगू वार्ड में, फिर इनकी जांच जाती है मेडिकल कॉलेज में, वहाँ से जब रिपोर्ट आ जाती पॉजिटिव की तब वो पक्का वही हो जाते हैं डेंगू के, उसी वार्ड में रहते हैं, बाकी फिर दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारे पास 10 बेड का एक वार्ड है, मच्छरदानी वगैरह लगी है, नीट क्लीन, उनकी दवाइयाँ वगैरह, प्लेटलेट वगैरह सब है अवेलेबल। डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव, CMS TB सप्रूव हॉस्पिटल। वहाँ डीजी ऑफिस पर सबको दिया है, अभी तक कुछ आया नहीं है।